ये ताबूत है मेरा असली खेल। और जानते हो इस खेल को खेलने में मेरी मदद कौन करेगा? कौन? बालवीर। बालवीर, इस खेल को जीतने के लिए मुझे पवित्र मिट्टी और पुष्प गंदा फूल का लेप चाहिए, जो बालवीर मेरे लिए लेकर आएगा। समझा, अब मैं है ला सकता पवित्र मिट्टी और पुष्प गंदा के फूल, केवल सच्चा और अच्छा इंसान ही नहीं जा सकती वहां पर कोई बुरी शक्ति, है ना परी भयंकर? सही कहा तौबा तौबा, इसीलिए मैंने भंवरों का ये खेल रचा है ताकि बच्चे संकट में आ जाए और फिर बच्चों को बचाने के लिए बालवीर पवित्र मिट्टी और पुष्प गंदा फूल लेने चले जाए। लेकिन परियों और बालवीर को ये नहीं पता कि इससे पहले कि वो बच्चों तक पहुंचे, मैं ये दोनों चीजें उनसे छीन लूंगी और फिर शुरू होगा मेरा भयानक खेल। परी भयंकर, वाह! हो आप महान, हो आप बुराई की रानी। वाह परी भयंकर, वाह! आज पहली बार है लग रहा मुझे कि हो रखती आप भी दिमाग। मतलब इस बार तो होगी आपकी ही जीत। हाँ, और इस जीत का ताज खुद बालवीर मेरे सर पर रखेगा और रानी परी वो तो सोचती ही रह जाएगी कि आखिर ये खेल था क्या। मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं ठंडे दिमाग से सोच सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठंडे दिमाग से, ठंडा तो लावा का फुवारा। अगर मैं इन फुवारों को जमा दूं तो मैं इन पर से चढ़कर उस पवित्र मिट्टी के पार तक पहुंच सकता हूं। भले ही मैं यहां उड़ नहीं सकता, लेकिन मेरा जादू यहां काम कर रहा है। हे रानी परी, शक्ति दो खरी, सच्चाई और अच्छाई की जीत हो जाए, ये लावा का फवारा पत्थर का बन जाए। मुझे जल्द से जल्द दूसरे स्तंभ बनाकर आगे बढ़ना होगा, वरना मैं भी इनके साथ पिघलकर नष्ट हो जाऊंगा। लगता है ये लावा की गर्मी इस पथरीले स्तंभ को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देगी। मुझे जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। लावा का फुवारा ऊपर उड़ ही नहीं रहा है, क्या करूं?
मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अब मुझे जल्द से जल्द पवित्र मिट्टी को लेकर पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करके बच्चों तक पहुंचना होगा, क्योंकि अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचा तो बच्चे गहरी नींद में हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे। बस इस बार आपने ढंग की विग पहनी है, बस बाल पूरे स्ट्रेट हो देना तो किसी को पता नहीं चलता ये विग है। एक काम करो, गाड़ी में से जाके ना एक जेल लेके आ। बॉस वो सब बाद में करो ना, पहले पिज्जा मंगाओ ना, बहुत भूख लगी है। बॉस प्लीज, बॉस प्लीज प्लीज। कोई पिज्जा विज्जा नहीं मंगाएगा। जा एक काम कर, गाड़ी में जैम ब्रेड रखा हुआ है, ये 10-15 स्लाइस मेरे लिए बना के लाना, समझा? और जेल लाना मत भूलना। यही है वो पवित्र मिट्टी वाला। लेकिन यहाँ तो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, अब इसमें से पवित्र मिट्टी कहाँ है, वो कैसे ढूंढूं? कोई तो उपाय होगा, मुझे जल्द से जल्द वो पवित्र मिट्टी ढूंढनी होगी। पे तो मिट्टी का नामो निशानी नहीं है। अगर मैं ऐसे ही पत्थर हटाता रहा तो पूरा दिन निकल जाएगा। मुझे कोई और उपाय ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मैं समय पर पृथ्वी लोक पर बच्चों के पास नहीं पहुंचा तो नहीं। पौधा यहां, ये पौधा, ये पौधा इस पथरीली जमीन पर कैसे होगा? क्योंकि पौधा तो वहीं पर उगता है जहां पर मिट्टी होती है, यानी जरूर यहां पर मिट्टी है। मुझे जल्द से जल्द यहां देखना होगा। मिट्टी में से तो खुशबू आ रही है, यानी जरूर यही है वो पवित्र मिट्टी। दो घंटे तो बीत चुके हैं, सिर्फ एक ही घंटा बाकी है, और मुझे पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करना भी बाकी है। ये रेत का रंग तो बदल रहा है, यानी परियों को पता चल गया होगा कि मैंने पवित्र मिट्टी प्राप्त कर ली। अब मुझे जल्द से जल्द दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहिए। रानी परी, वो देखिए, रेत घड़ी का रंग बदल रहा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि बालवीर ने वो पवित्र मिट्टी हासिल कर ली है, और अब बालवीर को सिर्फ पुष्पगंधा का फूल प्राप्त करना ही बाकी है। उसके बाद बच्चों पर कोई खतरा नहीं रहेगा। रानी परी, क्या बात है? रेत घड़ी का रंग तो बदल रहा है, इसका मतलब ये है कि बालवीर अपने कार्य में सफल हो रहा है। फिर आपको किस बात की चिंता है? बाल परी, हम भयंकर परी के व्यवहार को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमें उसका ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें तो हैरानी इस बात की है कि भयंकर परी ने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली। रानी परी, हमें गुप्तचर परियों ने बताया है कि भयंकर परी पूरी तरह से टूट चुकी है, और अब वो हमारा सामना करने का कभी साहस नहीं करेगी। हाँ विजेता, इसी बात को लेकर तो हम चिंतित हैं। भयंकर परी चुप रहने वालों में से तो बिल्कुल नहीं, और जब अब बालवीर ने पवित्र मिट्टी को प्राप्त कर लिया है, तब
तब भी भयंकर परी ने कुछ नहीं किया। हाँ रानी परी, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद भयंकर परी अब समझ गई है कि अब वो हमसे नहीं जीत पाएगी। हाँ परी, और ये भी हो सकता है कि भयंकर परी ने किसी बड़े युद्ध को जीतने के लिए इस छोटे से युद्ध में हार मान ली, ताकि हम सब अंधेरे में रहें और वो अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हो सके। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के तीसरे बच्चे का चयन होगा इस गुरुवार यानी 23 अप्रैल को, तो जल्द से जल्द हमें अपने पत्र लिखकर भेजिए। हो सकता है वो तीसरा बच्चा आप हो। खाने का खजाना। हाँ। जैम और ये जल दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन केवल के लिए जैम और जल में फर्क पहचाना बायाद का खेल है। अरे बाप रे, ये भी स्ट्रॉबेरी और ये भी स्ट्रॉबेरी, तो इसमें से जैम कौन सा और जेल कौन सा? लगता है मोंटू बॉस को मुझे ये पता ना चलने के लिए लिखा है। देखकर उनको भी नहीं पता कि उनका पाला किससे पड़ा है, अभी सुन के बता दूंगा। पक्का जरूर यही जाम होगा। मजा आ गया। मजा आ गया। अब उस मोटे के लिए भी बनाना पड़ेगा वरना मारेगा। और ये रहा मोंटू बॉस का जेल। बॉस जल केवल, अभी मेरे बालों में जल लगा। केवल ठीक से लगा। वैसे बॉस एक बात बोलू? बोलना। आपका टेस्ट बिल्कुल सेम है। सेम? कैसे? आपका जेल का भी फ्लेवर स्ट्रॉबेरी और जैम का भी फ्लेवर स्ट्रॉबेरी। ओ हाँ बॉस, दे। केवल तूने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? क्या बात कर रहे हो बॉस, केवल के लिए जैम को पहचाना बाय हाथ का खेल है। केवल जरा गया बॉस, मेरा भगवान है। बेवकूफ, क्या हुआ बॉस? तूने मेरे सर पे जाम लगाया। क्या? तो हमने जो ब्रेड पे स्ट्रॉबेरी जाम लगाया था वो क्या था? वो स्ट्रॉबेरी जेल था, और वो हमने खा भी लिया। मतलब हमने ब्रेड के साथ अभी जेल खाया। जल्द
नहीं कोई आसपास है क्या ऐसा खास इस ताबूत में जो लेकर आई परी भयंकर गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर उस दैत्य लोक से आज तो जानकर ही रहूंगा मैं ओए है परी भयंकर का होने वाला प्रधान तोबा तोबा श्री श्री तोबा तोबा जी अरे देख क्यों नहीं रहे कोई जवाब अंदर से कैसा ये मामूली सब जानकर ही रहूंगा मैं मैंने कहा था ना कि इसके आसपास भटकना भी मत सोचा कि देख लूं कि है सब तो ठीक ना ठीक तो तुम्हारे लिए नहीं होगा अगर दोबारा इसे छुआ तो और एक बार ये खुल गया तो परियों और बालवीर के साथ भी कुछ ठीक नहीं होगा पर परी भयंकर हो गया है संदेह रानी परी को कि है चल रही आप कोई गहरी चाल अब आएगी रानी परी अपनी परियों की सेना के साथ और कर देगी आपका अंत ऐसा कुछ नहीं होगा तौबा तौबा रानी परी को केवल संदेह हुआ है लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या खेल रच रही हूं और जब तक उसे पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि तब तक बालवीर पुष्प गंधा फूल को प्राप्त कर चुका होगा बेचारा बालवीर फंस गया वो बुरी तरह आपके जाल में बस अब तो बस बालवीर का इंतजार है जैसे ही वो पवित्र मिट्टी और पुष्प गंधा फूल के रस का लेप बनाएगा मेरे इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी नींद भी समाप्त हो जाएगी और उसी के साथ परिलोक पर राज करने का मेरा इंतजार भी क्योंकि तुम्हारे जागते ही शुरू होगा बुराई का एक नया युद्ध जिसे हम दोनों साथ में लड़ेंगे